नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। अशोक गहलोत को बनाया एआईसीसी महासचिव, जितेंद्र सिंह को बनाया ओडिशा का प्रभारी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सुंदरा राजे ने राजस्थान दिवस पर दी बधाई, अलवर में भी हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक गीतों पर दी रंगारंग प्रस्तुतियां। झुंझुनू के मलसीसर डैम टूटने से डूबा गांव, गुणवत्ता पर उठे सवाल, 588 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ बर्बाद। खैरथल में व्यापारी की हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, 9 मार्च को हुई थी व्यापारी मुकेश की हत्या, नौकर ने कराई थी लूट की खातिर हत्या। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। गहलोत के अनुभव का लाभ लेने के लिए उन्हें अब संगठन एआईसीसी में महासचिव का पद दिया गया है। पर राजस्थान में कांग्रेस में गहलोत समर्थकों में निराशा है, वहीं सचिन पायलट के समर्थकों में खुशी का माहौल भी है, क्योंकि अब तक अलग अलग धड़ों में बटे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में सीएम की दावेदारी को लेकर खींचतान अक्सर नजर आती रही है। गहलोत के महासचिव बनाए जाने से पायलट का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में अंदरूनी कलह की चर्चा हमेशा रहती है कि राजस्थान में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक गहलोत की अगर बात करें तो उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है। इस समय चारों तरफ भाजपा के वर्चस्व को देखते हुए कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपनी रणनीति के तहत कांग्रेस अनुभवी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गहलोत को भी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पिछले दिनों हुए कांग्रेस के 84वें महाअधिवेशन में राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐलान किया था कि पार्टी अनुभवी नेताओं का संगठन में मार्गदर्शन लेकर युवाओं को राजनीति में आगे लाएंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत को भी केंद्रीय संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इससे राजस्थान की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। इसके दो मायने लगाए जा रहे हैं, अशोक गहलोत को राजस्थान से किनारा कर दिया गया है या फिर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया है। इससे कांग्रेस के एक खेमे में निराशा है तो एक खेमे में अंदरूनी खुशी का माहौल भी है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ओडिशा और सांसद राजीव सातव को गुजरात का एआईसीसी प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी में पिछले कई वर्षों से संगठन महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे द्विवेदी को इस पद से और महासचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। उनकी जगह गहलोत को संगठन एवं प्रशिक्षण का प्रभारी महासचिव बनाया गया है। फिलहाल राजस्थान में गहलोत के महासचिव और पूर्व गृह राज्य मंत्री अलवरपुर सांसद जितेंद्र सिंह को ओडिशा का प्रभारी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। केंद्र में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो हमारे प्रदेश में हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, आदरणीय अशोक गहलोत जी को जो केंद्र में इतनी बड़ी जगह राहुल गांधी के बाद दूसरे स्थान पर जो जगह दी है जनार्दन द्विवेदी जी के जगह, तो उसी के लिए आज सभी महिला कांग्रेस ने खुशी मनाई है। साथ ही जो हमारे आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी थे उनकी जगह उनको उड़ीसा में महासचिव लगाया है और उनका वहाँ का प्रभार उनको सौंपा है, तो अलवर जिले के लिए साथ ही पूरी प्रदेश की जनता के लिए बड़ी हर्ष की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि उनको राजस्थान का मुख्यमंत्री को एक केंद्र में इतना बड़ा सत्ता सौंपने के लिए, इतनी बड़ी वो जिम्मेवारी सौंपने के लिए हम राहुल गांधी का धन्यवाद देते हैं। साथ ही महिला कांग्रेस आभार जताती है और खुशी व्यक्त करती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने राजस्थान के नेताओं को शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचाया है। हमारे यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री सबके लाडले भंवर जितेंद्र सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी को आज राष्ट्रीय स्तर पर जो मान और सम्मान दिया है, भंवर जितेंद्र सिंह जी को उड़ीसा का प्रभारी बनाया है और गहलोत जी को राष्ट्रीय स्तर पर राहुल जी ने अपने बराबर
साथ काम करने का मौका दिया है, इसके लिए हम सब हर्षित हैं। महिला कांग्रेस ने खुशी जताई है और राहुल गांधी जी का आभार व्यक्त किया है कि हमारे नेताओं को उन्होंने जो मान सम्मान दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। उधर अशोक गहलोत के तजुर्बे का फायदा राहुल गांधी केंद्र में संगठन को मजबूत बनाने में लेना चाहते हैं। पिछले चुनाव में भी भाजपा को टक्कर देने में गहलोत की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। अशोक गहलोत 1985 में मात्र 34 वर्ष की उम्र में 3 बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1980 और 94 में जोधपुर से सांसद रहे और केंद्र में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी रहे। वहीं 1991, 96 और 98 में फिर सांसद बने। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में स्वतंत्र प्रभार कपड़ा मंत्री भी बने। राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर 1998 से 2003 और 2008 से 2013 तक जिम्मेदारी संभाली। साथ ही 2004 से 2009 तक हिमाचल और छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर भी काम संभाला और 2017 में गुजरात के प्रभारी बने और विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी टक्कर भी दी। इस दौरान राहुल गांधी ने अशोक गहलोत की कार्य क्षमता को समझा और केंद्र में अपनी टीम में लेने का मन बनाया। गहलोत ने संगठन की जिम्मेदारी संभालने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया, साथ ही राजस्थान की जनता के स्नेह पर भी आभार जताया। वहीं जोधपुर के सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता गहलोत को बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं गहलोत ने भी उनसे दोगुने उत्साह के साथ जुटने के लिए कहा। गहलोत ने शुक्रवार शाम को कही बात शनिवार सुबह कार्यकर्ताओं के सामने दोहराई कि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता होगी। इसी पद पे पहुंच जाऊँ निकल जा छोटी बड़ी, पर मैं ठाकुर दूर नहीं रहूंगा। मेरे दिल में हमेशा राजस्थान का जो कोना कोना है, ये गांव है, ये ढाणी है, वहां तक मैं ठाकुर दूर नहीं रहूंगा। ये मेरे खून में है, ये मेरे ब्लड के अंदर है कि मैं यहाँ की जनता का मुझे इतना प्यार मिला है। 10 साल मुख्यमंत्री रहना बहुत बड़ी बात है। आज जो मुझे प्यार मिल रहा है गांव में ढाणी में, ये मेरे लिए कोई सबसे बड़ा काम है। राजस्थान की जनता का आज जो प्यार मेरे दिल में है, वो कोई भी सबसे बड़ा भावना है। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का यह दांव आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इफेक्ट डालता है। राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान राजस्थान के जिला स्तर पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली। अलवर के महल चौक में भी राजस्थान दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसमें वेस्टर्न म्यूजिक ग्रुप ऑफ राजस्थान की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर राजन विशाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान दिवस पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से महल चौक में आयोजित लोक संस्कृति के कार्यक्रमों में नृत्य एवं लोक गीतों के रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें कलाकारों ने केसरिया बालम के स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं डॉक्टर अनुरीता झा के निर्देशन में नृत्यांगना ग्रुप की बालिकाओं ने कथक नृत्य के साथ सरस्वती वंदना की। इसके साथ ही अनेकों राजस्थानी गीत निबूड़ा निबूड़ा दमादम मस्त कलंदर और मेरे रश के कमर पर दर्शकों ने खूब आनंद लिया।
वहीं अलवर के ख्यातिनाम कलाकार विश्व विख्यात भपंग वादक जहूर खां के पोते और उमर फारूक के पुत्र यूसुफ खां और असलम भारती एंड पार्टी ने भपंग वादन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कि भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, ब्याज का टाइम है। कि भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, भैन बुआ तो घर पे आवे देवे नहीं रुपया, और जो घर पे आ जाए छोटी साड़ी, जो घर पे आ जाए छोटी साड़ी, दिन भर चले कढ़ैया के इस मौके पर मौजूद अलवर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने राजस्थान दिवस पर सबको शुभकामनाएं दी। मैं अलवर जिले के सभी जिलेवासियों को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। और हम सब आज यहाँ मैन चौक में राजस्थान दिवस मना रहे हैं। जो लोक कलाएं लोक विधाएं जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, जो मूल्य जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है, क्योंकि राजस्थान रणबांकुरों की, वीरों की, शूरवीरों की, भक्तों की, संतों की नगरी है। तो आज का दिन उन सब लोगों को याद करने का है और साथ ही अपने आप को डेडिकेट करने का है कि जिन मूल्यों के लिए राजस्थान जाना जाता है, हम उन मूल्यों को और सुदृढ़ करें, उसको आगे बढ़ाएं और राजस्थान के गौरव को चार चांद लगाएं, तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ाएं। तो आज मैं आशा करता हूं कि आने वाला समय हमारे ज़िले के लिए और पूरे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा। आज अलवर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और इसके उपलक्ष्य में आज लोक कला सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन महल चौक परिसर में किया गया है, जिसमें राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बाड़मेर से, जो कि पश्चिमी राजस्थान का जिला है, वहाँ से काला खां के नेतृत्व में जो दल आया है, उसने हमारी जो वेस्टर्न राजस्थान का डेजर्ट सिम्फनी म्यूजिक है उसको यहाँ प्रस्तुत किया है। वहीं इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री राजे ने भी जयपुर में हुए कार्यक्रम में शिरकत की और राजस्थान दिवस की सबको बधाई दी। जो अपना राजस्थान दिवस है, उस दिन मैं सब पूरे हमारे राजस्थान वासियों को, हमारे राजस्थान के परिवार के लोगों को बहुत सारी बधाइयां देना चाहती हूं। और इस कार्यक्रम के द्वारा 5-6 दिन जो अपन करते हैं, उसमें हम इस सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं पूरे राजस्थान के इतिहास को, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो कला हो। और अभी इसका समापन होता है तो उसमें हम सब चीज़ को एक साथ लेने की कोशिश करते हैं। इस बार भी मैं बधाई देना चाहती हूँ डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को, वो सब लोगों ने मिलके, उनके मंत्री ने मिलके बहुत अच्छा कार्यक्रम आज का किया है, जिस कार्यक्रम के अंदर पूरे राजस्थान को लाने की उन्होंने कोशिश की है और मुझे ऐसी खुशी होती है। अलवर जिले के खैरतल कस्बे में व्यापारी मुकेश अग्रवाल की बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर करीब 1,20,000 रुपए लूटने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया था। व्यापारी मुकेश गुप्ता के यहां काम करने वाले नौकर धर्मेंद्र उप छोटू निवासी रायपुर मेवान ने अपने चचेरे भाई कुलदीप और लालचंद के साथ मिलकर व्यापारी को लूटने की योजना बनाई और उसके बाद हरियाणा के बदमाश सुनील के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि 9 मार्च की शाम को रवि किराना स्टोर के मालिक 40 वर्षीय मुकेश अग्रवाल दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाश कुलदीप और लालचंद ने व्यापारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश की तो व्यापारी ने विरोध किया। इस पर लालचंद ने कट्टे से फायर किया। इसके बाद कुलदीप ने भी पिस्टल से हिट फायर किया जिसमें व्यापारी की मौत हो गई और रुपयों से भरा बैग लेकर वे बाइक से फरार हो गए। बाइक को सुनील चला रहा था जबकि धर्मेंद्र इसकी सारी सूचनाएं उन्हें दे रहा था। एसपी राहुल प्रकाश ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए 4 टीमें बनाई और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए गुप्त ऑपरेशन ओडब्ल्यूडी शुरू किया गया।
जिसमें सभी टीमों को अलग अलग कार्य सौंपे गए। पुलिस अधीक्षक के द्वारा शुरुआती फेज में यूपी हरियाणा के बदमाशों पर निगरानी की गई। इसके बाद पुलिस को कुछ सुराग मिलने के बाद व्यापारी के नौकर की गतिविधियों पर खुफिया तौर पर नजर रखी गई तो उसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आई। इसके बाद पुलिस ने नौकर धर्मेंद्र उप छोटू को और कुलदीप को हिरासत में लिया। इसके बाद उन्होंने वारदात को कबूल किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने लालचंद और सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ समय से वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। दो महापौर बातचीत के दौरान धर्मेंद्र उप छोटू ने कहा था कि वह जिस सेठ के यहाँ काम करता है उसके पास मोटी आमदनी होती है और रोजाना शाम को घर लाखों रुपए लेकर जाता है। इसके बाद आरोपियों ने मुकेश अग्रवाल को लूटने की योजना बनाई और हरियाणा के बदमाश सुनील से संपर्क कर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों से माल बरामदगी का प्रयास करने में जुटी है। 9 मार्च को खैरथल क्षेत्र में स्वर्गीय मुकेश अग्रवाल जी के यहाँ लूट की एक वारदात हुई थी दुकान पे, और उस लूट की वारदात में गोली उनको मार दी गई थी जिससे कि बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने लगातार अनुसंधान किया और विभिन्न दृष्टिकोण से अनुसंधान किया, जिसमें कि शुरू में आपराधिक गिरोह के द्वारा किया गया कृत्य प्रतीत हो रहा था और उस दृष्टिकोण से हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। साथ में हम लोगों ने साइक्लोन सेल की मदद से भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम किया था। बहुत सारे ऐसे लीड हमें मिल रहे थे जो कि इस ओर इशारा कर रहे थे कि संभवतः इसमें किसी आपराधिक गिरोह का हाथ है, लेकिन धीरे धीरे लगातार मेहनत करने और गहन तफ्तीश करने के बाद ये बात सामने आई कि यह अपराध 4 लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें से एक उनका खुद का नौकर धर्मेंद्र और छोटू शामिल था और उसके साथ उसके ही 4 सहयोगी दोस्त और रिश्तेदार इसमें शामिल थे, जिनके नाम सुनील, लालचंद और कुलदीप है। इसके अंतर्गत लालचंद और सुनील हैं जो कि मुख्य तौर पे पूरे प्रकरण को कॉन्स्पिरेट करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, और सुनील है जिसने कि हथियारों की व्यवस्था करी और बाइक की व्यवस्था करी थी। इस प्रकरण में हमने इन 4 को डिटेन कर लिया है। पूछताछ में इन लोगों ने अपने अपराध को स्वीकार किया है। इनको गिरफ्तार करके माल जो है वो बरामद किया जाएगा। एक बार फिर हम आपको बता दें कि मामला क्या था। यह हत्या पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई थी। लगभग 20 दिन पहले 9 मार्च को लूट की खातिर हुई व्यापारी मुकेश अग्रवाल की हत्या की गुत्थी सुलझाना किसी चुनौती से कम नहीं था। वहीं पुलिस को लगातार व्यापारियों का, आमजन का, राजनेताओं का और प्रशासनिक स्तर पर भी दबाव लगातार रहा, लेकिन अलवर पुलिस कप्तान राहुल प्रकाश ने अपनी कार्यकुशलता के तहत हत्यारों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई और लगातार उनकी रिपोर्टिंग लेते रहे। इस टीम में शामिल विभिन्न थानों के थाना अधिकारी शामिल थे, जिसमें अजय यादव SHO सदर थाना, पवन चौबे SHO, MIA नरेश शर्मा उप निरीक्षक और कासम खान ने पूछताछ एवं साक्ष्य संकलन का काम संभाला। साथ ही फील्ड में दौलतराम SHO ततारपुर, जितेंद्र यादव SHO खैरतल, हितेश शर्मा SHO नीमराना, अजय सिंह SHO किशनगढ़ बास, सुनील जांगेड़ SHO चौपानकी, अजीत सिंह SHO हरसोरा सहित पूरी टीम ने लगातार दिन रात फील्ड में काम कर वारदात खोलने में सफलता हासिल की। साथ ही नीमराना DSP हिमांशु और भिवाड़ी DSP सिद्धांत शर्मा ने पूरी टीम की मॉनिटरिंग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक राहुल प्रकाश ने पूरी टीम को बधाई दी और प्रशंसा पत्र के साथ नगद इनाम की भी घोषणा की। राजस्थान की सबसे बहुप्रतीक्षित योजना कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना का डैम शनिवार दोपहर को टूट गया। इसमें न केवल करोड़ों लीटर पानी बर्बाद हो गया बल्कि पूरा प्रोजेक्ट भी पानी में डूब गया। डैम के 1 किलोमीटर दूर ही मलसीसर कस्बा है। डैम का पानी नहीं रुकने की स्थिति में मलसीसर कस्बे के डूबने की आशंका में लोगों में हड़कंप मच गया है। मलसीसर कस्बे के पास कुंभाराम आर्य लिफ्ट परियोजना के पानी स्टोरेज डैम, पंप हाउस, क्लोरिंग हाउस आदि बने हुए हैं। शनिवार दोपहर करीब 1 बजे बड़े वाले डैम में 9 मीटर पानी भरा हुआ था। डैम के ऊपर का पुल अचानक टूट जाने के कारण पानी बाहर आ गया और बेकाबू हो गया। पूरा पानी पंप हाउस और क्लोरिंग हाउस आदि की मशीनरी में घुस गया, जिसमें प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा। इसके बाद पानी मलसीसर कस्बे की ओर बढ़ गया, जिसमें लोगों में हड़कंप मच गया। डैम टूटने की सूचना पर तहसीलदार जीतू सिंह मीणा, मलसीसर थाना अधिकारी पन्नालाल गुर्जर आदि मौके पर पहुंचे। कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के पहले चरण में पिछले 3 माह से झुंझुनू शहर को जलापूर्ति होने लगी थी। 1-2 दिन में मलसीसर कस्बे को इससे पानी दिया जाना था, मगर डैम टूट जाने के कारण अब इस प्रोजेक्ट के तहत तय समय पर पानी मिलना मुश्किल हो गया है। परियोजना के तहत मलसीसर, खेतड़ी, झुंझुनू, सीकर शहर समेत 1473 गांवों को पानी दिया जाना था। गौरतलब है कि इस परियोजना का शुभारंभ जुलाई 2013 में हुआ था।
इसकी लागत करीब 588 करोड़ है और इसमें 15 लाख क्यूबिक पानी की क्षमता है। फिलहाल इस पानी को रोक पाना मुश्किल है। साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिर इतने बड़े प्रोजेक्ट में घोर लापरवाही जो सामने आई, उसमें बनाने में इस्तेमाल में की गई सामग्री की गुणवत्ता पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। साथ ही पैसे की बर्बादी के साथ साथ आम जन की जान से खिलवाड़ के लिए संबंधित अधिकारी भी जिम्मेदार हैं। हनुमान जयंती शनिवार को जिले भर में धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर हनुमान सेवा मंडल की ओर से हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में केडलगंज से 11वीं ध्वज यात्रा निकाली गई। यह ध्वज यात्रा होप सर्कस, पुलिस कंट्रोल रूम, बस स्टैंड, गायत्री मंदिर रोड से घोड़ा फेर चौराहा होती हुई अकबरपुर स्थित बगीची वाले हनुमान मंदिर पहुंची। ध्वज यात्रा को विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव दिनेश जलूथुरिया व मदर टेरेसा होम की अनाथ बालिकाओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ध्वज यात्रा में विभिन्न तरह की झांकियां, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, डीजे, प्याऊ और ध्वज वाहक सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। मंडल के संरक्षक राजकुमार गोयल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंडल की ओर से यात्रा निकाली जा रही है, जो केडलगंज से रवाना होकर अकबरपुर बगीची वाले हनुमान मंदिर पर पहुंचेगी, जहां विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है। इस बार ध्वज यात्रा में 501 ध्वज वाहक शामिल हैं और वहीं बाहर से आई हुई झांकियां और ढोल नगाड़े आकर्षण का केंद्र है। श्री बगीची वाले हनुमान जी महाराज की है 11वीं विशाल ध्वज यात्रा आज यहाँ केडलगंज से प्रारंभ की गई है, जो मुख्य बाजारों से होते हुए शाम 4 बजे तक अकबरपुर पहुँचेगी। वहाँ प्रातः से ही भंडारा चालू कर दिया गया है। यहाँ रास्ते भर में ध्वज वाहकों के लिए जगह जगह जलपान की व्यवस्थाएं भक्तों ने सुनिश्चित की हैं। शोभा यात्रा में अखाड़ा, घोड़े, झांकियाँ, बैंड, डीजे, प्याऊ इत्यादि शामिल हो रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग यहाँ से पैदल चलकर 18 किलोमीटर दूर बगीची वाले हनुमान जी महाराज अकबरपुर शाम को पहुँचेंगे। कितने यात्री जाएंगे? कई हजार लोग पैदल रहते हैं, जिसमें 500 से ज्यादा ध्वजवाहक रहेंगे। वहीं बूंदी में भी हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती महोत्सव समिति की ओर से शहर में विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों की संख्या में युवा बाइक पर सवार होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए शहर भर से गुजरे। वाहन रैली बालचंद पड़ा अभयनाथ महादेव से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस अभयनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान लोगों ने वाहन रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पिछले दिनों बूंदी में निकाली गई भगवा रैली के दौरान सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था, इस वजह से आज हनुमान जयंती के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा को लेकर पूरी तरह चाक चौबंद रहा। उधर पाली में हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई रैली में किए गए पथराव के बाद दो समुदाय में तनाव बढ़ गया। देखते ही देखते दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। वहीं मामला इतना बढ़ गया कि कई दुकानें और वाहन आगजनी की भेंट चढ़ गए। वहीं पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग भी किया और सुरक्षा की दृष्टि से RSA के जवान तैनात किए गए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत नगर परिषद से पानी बचाओ रैली निकाली गई। नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस रैली में ढोलक पेटी बजाते हुए पानी बचाओ के नारे लगाते हुए सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना ने बताया कि यह रैली नगर परिषद से होते हुए होफ सर्कस, घंटाघर, काशीराम का चौराहा, भगत सिंह सर्किल पर जाकर समापन किया जाएगा। जल स्वावलंबन योजना के तहत द्वितीय चरण को स्टार्ट किया गया है, इसमें आज ये महिलाओं के द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। ये महिलाओं के द्वारा हम शहरवासियों से ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर जल है तो कल है, इसलिए जहाँ तक हो सके जल को बचाओ, जल का बिना बात ही दुरुपयोग ना करो। और क्योंकि आजकल बारिश बहुत ही कम हो रही है और जल की स्थिति सब जगह पे टाइट होती चली जा रही है,
हम जितनी बावड़ियां हैं उनको भी ठीक करवा रहे हैं, जो स्कूल और बड़े बड़े कॉलेज सरकारी बिल्डिंगों है उनके ऊपर हम वाटर हार्वेस्टिंग के अभी इंतज़ाम करवा रहे हैं, जो छत के ऊपर बारिश आएगी बारिश का पानी ज़मीन में जाएगा। हम उम्मीद करते हैं रिचार्ज होने से आने वाले समय में पानी का लेवल भी बढ़ेगा, इसी के लिए ये रैलियाँ निकाल करके जाग चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत को बनाया AICC महासचिव, जितेंद्र सिंह को बनाया ओडिशा का प्रभारी, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सुंदरा राजे ने राजस्थान दिवस पर दी बधाई, अलवर में भी हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक गीतों पर दी रंगारंग प्रस्तुतियां। झुंझुनू के मलसीसर डैम टूटने से डूबा गांव, गुणवत्ता पर उठे सवाल, 588 करोड़ का प्रोजेक्ट हुआ बर्बाद। खैरथल में व्यापारी की हत्या के आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, 9 मार्च को हुई थी व्यापारी मुकेश की हत्या, नौकर ने कराई थी लूट की खातिर हत्या। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।